हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कार के वाराणसी में। आज देखिए व्हाइट ट्रंक्स लेके आए हैं, सिग्मा मॉडल है और ये बनेगी अल्फा। और कहाँ बनेगी, यहीं पे। पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। तैयारी हम कर रहे हैं, देखिए डालने वाले हैं डिस्प्ले ब्लॉपंग का लॉडरल 900। मार्केट का सबसे बिग प्लेयर है ये, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल का अपने वायरलेस, दोनों ही वायरलेस पे ये काम करता है, लैग फ्री काम करता है। उसके बाद जो साउंड दे रहे हैं प्राइमस से दे रहे हैं, इन्फिनिटी की प्राइमर सीरीज कंपोनेंट और कोएक्सल। एक ओआरवीएम लगने जा रहा है, ये देख सकते हैं मैनुअल ओआरवीएम है, इसे हम अपग्रेड करेंगे टॉप एंड से। ये ऑटो फोल्ड मिरर इसमें लगेगा, एकदम प्रॉपर काम करेगा। और उसके बाद स्विच भी आप देख सकते हैं, जेन्युइन मारुति का इसमें लगने वाला है, मारुति या नेक्सा आप बोल सकते हैं, जेन्युइन नेक्सा का लगने वाला है। उसके बाद एक आर्मरेस्ट हम डालने वाले हैं, आर्मरेस्ट भी जेन्युइन जाएगा, देख सकते हैं स्लाइडिंग है, एकदम प्रॉपर फिटिंग हो जाती है तो दिखाते हैं हम। उसके बाद स्टेयरिंग पे हम आ जाएं, स्टेयरिंग भी टॉप एंड की स्टेयरिंग जाने वाली है। ये जो आपके स्विचेस हैं ये पूरे वर्किंग पूरे तरीके से काम करेंगे, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको जब एक बार फिट हो जाता है। और उसके बाद एलईडी जो अपग्रेड हो रही है और ल्यूमेक्स से हो रही है 200 वोल्ट से। और इंटीरियर जो हम करने जा रहे हैं वो जो इसका एक हाइब्रिड कलर आता है उससे पूरा इंटीरियर अपग्रेड होगा, तो ये भी अपग्रेड होता है तो आपके सामने आएंगे जल्दी। और डैम्पिंग डबल लेयर डैम्पिंग हो रही है टॉर्क ब्रांड की, तो सारा काम हो जाता है। जल्दी आते हैं, पूरा वीडियो लेके बने रहिएगा, जल्दी आते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो देख सकते हैं गेट खुल चुका है और डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें डबल लेयर डैम्पिंग हम करने जा रहे हैं, यानी कि एक लेयर अंदर से और एक बाहर से। तो चारों गेट की डैम्पिंग स्टार्ट है आप देख सकते हैं, और बाकी भी गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए अंदर के पोर्शन में डैम्पिंग लग चुकी है, ये फ्रंट गेट में देखिए पूरी लग चुकी है डैम्पिंग अंदर के पोर्शन में। बाकी काम स्टार्ट है स्टीरियो का, और एक बार फाइनल वीडियो हो जाता है तो आपके सामने लेके आते हैं हम। सारा कफलर टू कफलर काम होगा, ये स्टीरियो चेंज होगा, सीट कवर देखिए स्टार्ट है काम, फुल बकेट सीट कवर, स्टेयरिंग चेंज हो रही है, टॉप एंड वाली स्टेयरिंग लगेगी। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं क्या काम हमने किया है। सबसे पहले देखिए ऑटो फोल्ड मिरर इंस्टॉल किया गया है और ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए लॉक पे लॉक हो जा रहा है, अनलॉक पे अनलॉक हो जा रहा है, यानी कि फोल्ड और अनफोल्ड हो जा रहा है। ये देखिए फोल्ड हो गया और अनलॉक पे अनफोल्ड हो गया। तो ये टॉप एंड वाला मिरर हो गया ऑटो फोल्ड, एक साइड वेंट लगा दिया गया इंडिकेटर निकाल के, और एक जेन्युइन अलॉय हो गया, उसके बाद अंदर चलिए तो दिखाते हैं हम आपको। पहले वो आरबीएम के स्विचेस की फिट एंड फिनिश दिखाते हैं। ये देखिए प्रॉपर फिटिंग एकदम आई है, कहीं से कोई कटिंग नहीं है, और देख लीजिए अंदर से भी आपका फोल्ड अनफोल्ड पूरा हो रहा है, फिर स्विच प्रॉपर काम कर रहा है एकदम। साथ में ये देखिए फिनिशिंग, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी है, वो भी देखिए पूरा वर्क कर रहा है एकदम। तो ये ऑटो फोल्ड मिरर का इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं गेट में एम्बियंट लाइट भी लगी हुई है, सेट ऑफ 18 हमने डाली है एम्बियंट लाइट। तो गेट से लेके डैशबोर्ड एटमोसफियर सारी चीज़ें, और स्टेयरिंग की बात करें तो टॉप एंड वाली स्टेयरिंग आ गई है, फिट एंड फिनिश देख सकते हैं कितनी प्यारी है। इसके सारे बटन भी फंक्शन करेंगे, वो भी अभी हम काम करके आपको दिखाएंगे। साथ में एक ब्लॉपंग लॉडरडेल 900 डाला गया है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों पे प्रॉपर वर्क करता है, वायरलेस वर्क करता है, सिमलेसली वर्क करता है। तो ये देख सकते हैं एप्पल कारप्ले प्रॉपर वर्क कर रहा है एकदम सिमलेसली एकदम। 9.1 इंच की स्क्रीन है तो डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, और एक आपकी इनर प्रोफाइल को एक प्रीमियम फील भी देता है। साथ में कैमरा देखिए आप, AHD कैमरा सपोर्ट करता है ये, तो गाड़ी अगर रिवर्स करते हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और साथ में एम्बियंट लाइटिंग आप देख सकते हैं, गाड़ी के इंटीरियर को एक प्रीमियम फील दे रही है। स्टीयरिंग देखिए आप, साथ में इंटीरियर जो इसका आता है बरगंडी कलर, उस पर हमने सीट कवर दिया गया है। तो इसकी भी फिट एंड फिनिश देखिए, एग्जैक्ट मैचिंग दी गई है। फिटिंग बहुत ही प्रॉपर आई है, बकेट फिट है, कहीं कोई रिंकल आपको नज़र नहीं आएगा। साथ में एक आर्मरेस्ट भी जेन्युइन हमने इंस्टॉल किया, उस पर रैपिंग भी दी गई है। जी हाँ, ये आर्मरेस्ट हमने इंस्टॉल किया, इस गाड़ी में नहीं आता है। तो एक टॉप एंड वाला आर्मरेस्ट भी डाला गया है और साथ में रैपिंग भी की है सीट कवर के मैचिंग की। एक रिफ्लेक्टर देखिए, मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर हो गया, इंडिकेटर पे वर्क कर रहा है एकदम, दोनों तरफ हो गया। तो एक बैक प्रोफाइल को भी काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। उसके बाद साइड प्रोफाइल में आइए तो डोर वाइज़र हो गया, रूफ रेल हो गई, ऑटो फोल्ड मिरर हो गया और एक वेंट फेंडर वेंट हो गया। साथ में अंदर देखिए तो सीट कवर हमने आपको दिखाया ही है, एक बार फिर से देखिए फिटिंग प्रॉपर बकेट फिट, कहीं कोई आपको ग्लिचेस नज़र नहीं आएंगे, कोई रिंकल नज़र नहीं आएगा। फिटिंग कितनी प्रॉपर है आप देख सकते हैं। साथ में आर्मरेस्ट पे भी रैपिंग है, आर्मरेस्ट भी हमारे यहाँ से इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद एक बार बैक सीट पे जाते हैं तो बैक सीट में आप देखिए फिटिंग कितनी प्रॉपर आई है। पीछे से भी देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग है एकदम। तो ये काम हमने किया था फ्रॉन्क्स में और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसमें एक हेडलैम्प भी हमने अपग्रेड की है 200 वॉट से, उसका विज़न भी अभी आपको हम आगे वीडियो में ज़रूर डालेंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको एम्बियंट का थोड़ा अंधेरे में लुक दिखाने जा रहे हैं और जो इसमें हेडलैम्प डाली है उसका प्रॉपर विज़न हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए और जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो 200 वॉट की LED के साथ हमने हेडलैम्प अपग्रेड की है, उसका भी विज़न एक बार आप देखिए, रात में आप व्यू देख सकते हैं, रोशनी देख सकते हैं कितनी खूब पड़ रही है। तो नाइट ड्राइव को भी आप अब सेव कर सकते हैं और 200 वॉट से अपग्रेड कराइए। तो जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।